दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचता है। शरीर की देखभाल के लिए हम कई बार काम भी करते हैं, लेकिन मस्तिष्क के विकास के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। यही नहीं दोस्तों, हम कुछ ऐसी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। कुदरत ने जो हमें शरीर दिया है उसका विकास टाइम टू टाइम होता है, लेकिन अगर हम दिमाग का विकास खुद नहीं करें तो वो वैसा ही रहेगा। अगर हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएं, किसी तरह का ज्ञान हासिल ही नहीं करते तो हमारा दिमाग छोटे बच्चे या फिर जानवर की तरह ही हो जाएगा। इसलिए दिमाग के विकास की दिशा में काम करते हैं। चलिए हम आज आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो हमारे मस्तिष्क के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करना घातक होता है। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। शुगर का सेवन करना या ऐसी चीजों को खाना जिसमें शुगर ज्यादा हो वो घातक होता है। शुगर शरीर में पोषक तत्वों और प्रोटीन के अवशोषण को बाधित करता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। इससे मस्तिष्क का विकास धीमा होता है। और दोस्तों, नींद सही तरीके से नहीं लेना भी हमारे मस्तिष्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नींद ना आना और नींद का ज्यादा आना दोनों ही गंभीर समस्या है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती तो ये आपके याददाश्त को कमजोर करने के लिए काफी है। कम नींद के आने से कुछ भी याद रखने में खासी दिक्कत आती है। नींद ठीक से आना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि इससे आपके शरीर को रिलैक्स मिलता है। अगर आप लंबे वक्त तक अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, मुंह ढककर कई लोगों को सोने की आदत होती है, इसमें भी लोगों को बदलाव करना चाहिए। इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास रुक जाता है। दोस्तों, थोड़ा बहुत गुस्सा हर व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर आता है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं गुस्सा दिमाग को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। हम कभी कभी छोटी छोटी बात पर चिल्ला उठते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। इससे हमारे दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचता है। बात बात पर ओवर रिएक्ट करना आपके मस्तिष्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल जब आप ऐसा करते हैं तो मस्तिष्क की रक्त धमनियां सख्त होने लगती है। इसकी वजह से आपकी मस्तिष्क की कार्य क्षमता कमजोर होने लगती है। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते। दोस्तों, ब्रेकफास्ट का ना लेना भी आपके मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए रुकावट बन सकता है। ब्रेकफास्ट को दिन का सबसे जरूरी आहार कहा जाता है। यह दिन भर आपको ऊर्जा देती है। सुबह के वक्त शरीर में शुगर और अन्य पोषक तत्व जरूरी होते हैं। अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर के साथ साथ यह दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप रात भर कुछ नहीं खाते फिर ब्रेकफास्ट भी स्किप करते हैं तो इसका सीधा असर शरीर और दिमाग पर पड़ता है। इन्हें उचित पोषण नहीं मिलता है जो कि आगे जाकर मस्तिष्क के डिजरेशन का कारण बन जाता है। दोस्तों, कुछ लोग बीमारी में भी दिमाग पर जोर डालते हैं। अगर आप बीमार है इसके बावजूद काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तो इससे दिमाग को नुकसान पहुंचता है। इससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता कम होने लगती है। बेहद है कि आप तमाम उन आदतों को बदल दें जिसकी वजह से दिमाग को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।